इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम्स, गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को तीन शब्द दिए जाते हैं, तीन एंटिटीज़ दी जाती है, उनके बीच में हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ये देखिए, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है ना हमारा, जैसे पहला पार्ट, यहाँ पे दो से तीन तरीके के टाइप होते हैं। पहला तो हमारा होता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स का डायग्राम, कोई भी वैल्यू है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एंटिटी, उसमें इस तरीके का डायग्राम बनता है जिसमें ए का थोड़ा सा रिलेशन बी के साथ होता है, बी का थोड़ा सा रिलेशन सी के साथ होता है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग तो बताइए मुझे, पर्टिकुलर का एग्जांपल बता सकते हो जिसमें ए का कुछ रिलेशन बी के साथ हो, बी का कुछ सी के साथ हो। अगर मैं कुछ एग्जांपल बता दूंगी ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोग क्वेश्चंस भी करने लगोगे। जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बताइए। हाँ क्वेश्चंस अभी मैं करा रही हूँ, इसका कोई एग्जांपल बताएगा मुझे भाई। जैसे मान लो मैंने कहा सिंगर, ठीक है, तो कुछ सिंगर, जैसे मैंने कहा मेल, या मैंने आप लोगों का कहा यहाँ पर डांसर, तो कुछ सिंगर डांसर भी हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, कुछ डांसर मेल भी हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, और कुछ मेल सिंगर भी हो सकते हैं। तो ऐसे वाला डायग्राम बन जाएगा इसका, तो कई सारे एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पे, है ना। मैन टीचर स्पोर्ट्स मैन, अब देखना गलत सलत है यहाँ पर एग्जाम्पल आएंगे, मुझे पता है बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ गलत सलत आने वाले हैं अभी, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके अब सुनना, दूसरा हमारा जो पार्ट है ना ये पर्टिकुलर्स का है, ठीक है, ये पर्टिकुलर का एग्जांपल है। मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कितने आ रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड, रितिका गुप्ता नहीं है, रितिका तोमर है भाई, कम से कम नाम तो यहाँ पे सर सही से लो यार, रितिका तोमर नाम है, गुप्ता बना दिया तुम लोगों ने मुझे, ठीक है। महिला डांसर सिंगर, ठीक है, महिला डांसर सिंगर सही, एक्टर सिंगर डांसर भी ठीक है, मैन मैरिड टीचर भी ठीक है, चलो ठीक है, डॉक्टर टीचर नर्स भी सही है, नहीं इतना भी सही नहीं है, ठीक है चलो। तो अब सेकंड वाला जो होता है ना वो आप लोगों का रहता है, ठीक है, जैसे इस तरीके का डायग्राम, ठीक, जिसमें ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है, बी का पूरा पार्ट सी के अंदर है। अगर आप लोग इसका एग्जांपल बता पाए तो बता दें, ये ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो पार्ट होते हैं वो बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पार्ट होते हैं, है ना, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा इंडिया है, एशिया है, हरियाणा है, तीन हम लोगों ने एग्जांपल ले लिए मान लीजिए, ठीक है। तो हरियाणा आता है भारत के अंदर पूरा का पूरा, छोटा वाला पार्ट सबसे अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका हरियाणा, है ना, यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा इंडिया, और उसके ऊपर आ जाएगा एशिया, क्योंकि पूरा हरियाणा इंडिया में और पूरा इंडिया एशिया में, सबसे छोटा उससे बड़ा पढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, है ना। इस डायग्राम को कहते हैं यूनिवर्सल डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट आप लोग का बन सकता है लॉजिकल वेन डायग्राम से, तो थोड़ा इसको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इंडिया एशिया हरियाणा इस तरीके से यहाँ पे बनता है। एक और हमारा डायग्राम बनता है, ठीक है, जो पार्ट थ्री है हमारा, वो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। अलग अलग बनते हैं जिसमें तीनों एंटिटीज अलग अलग होती है, इसका एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग मुझे। ऐसे तो कई सारे पार्ट है हमारे, कई सारे तरीके हैं, कई सारे हमारे बहुत सारे जो मिसलेनियस बनते हैं, काफ़ी सारे मिसलेनियस में भी डायग्राम्स बनते हैं, वो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल बता सकते हो जिसमें हमारे तीनों एंटिटीज अलग अलग होती हैं। लेकिन बेसिक में बता दूँ, बेसिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों का होता है। जोधपुर राजस्थान इंडिया, नहीं गलत है ये, जोधपुर राजस्थान इंडिया वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अच्छा पिछले वाले का बता रहे थे, इस वाले का जोधपुर राजस्थान इंडिया इसके लिए सही होगा, इस वाले के लिए, उस वाले के लिए नहीं, उसमें तीनों डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। चले बना, तो इसमें गाइस अगर आप लोग कह रहे हैं क्रिकेट है, चेस है, हॉकी है, ये भी हो सकता है, क्रिकेट चेस हॉकी, क्योंकि क्रिकेट होता है हमारा गेम, चेस भी हमारा गेम है, हॉकी भी गेम है, बट तीनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रिकेट चेस हॉकी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लूँ आप लोगों के लिए, अगर एग्जाम्पल्स की मदद से आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, रेडी हो। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग करें तो ये हमें एग्जांपल ज़्यादा समझ में आएंगे, क्वेश्चंस की मदद से करते हैं। चलिए बस इतना ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट का मतलब होता है जहाँ ए अंदर हो बी के, तो इसका मतलब है ए का पूरा पार्ट बी में है लेकिन बी का पूरा पार्ट ए में नहीं है। इस वाले पार्ट का विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि मैडम पूरा इंडिया तो एशिया में है लेकिन एशिया पूरा इंडिया में थोड़ी है, तो इंडिया अंदर आ जाएगा एशिया बाहर आ जाएगा, छोटा वाला पार्ट बड़े के अंदर होता है, बड़ा वाला पार्ट छोटे में नहीं होता। इसको हम लोग रियल लाइफ से रिलेट करते हुए इन डायग्राम्स को बनाते हैं, रियल लाइफ में जो भी हमारे बनेंगे, ठीक है,
तो वो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जो भी हमारे रियल लाइफ में डायग्राम्स बनेगा वो हम इसे बनाते हैं। चलिए चेक करते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा ये क्वेश्चन, ये तो वही है जो मैंने अभी बताया। 15-15 सेकंड का टाइमर मैं आपको दूंगी करने के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? कैसे करना है आपको इसको, चेक करो। चलिए गाइस, थोड़ा फास्ट फास्ट फास्ट, ठीक है? लिक्विड गैस मटेरियल, थोड़ा सा फास्ट करना है ना, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। चलो, क्या आंसर आया इसका? भैया मैंने अभी बताया था, सबसे छोटा वाला पार्ट जो है वो बड़े के अंदर आता है, हरियाणा आ जाएगा सबसे छोटा, ठीक है? इंडिया के अंदर आता है, इंडिया आता है किसके अंदर? एशिया के अंदर, पूरा का कवर हो जाता है। तो आप लोग का जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, आप लोग का ये वाला डायग्राम, ठीक है? है ना? ओके, सेकेंड ऑप्शन। लास्ट तक जाओगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस पढ़ने के लिए मिलेंगे, लास्ट तक अगर हम लोग जाएंगे तो, ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते तो और समझ में आ जाएगा। कंट्री विलेज स्टेट का बताओ कैसा बनेगा। कंट्री विलेज स्टेट, देश राज्य गांव, बताते जाइए जल्दी जल्दी से कैसे बन रहा है, चेक करो फटाफट से। गुड इवनिंग, और थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी आप लोगों का चाहिए भाई, सेशन को सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिए, जिससे कि हमारे साथ सेशन में रोज़ाना की तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है? और ये हम लोग जो क्लास करते हैं डेली के डेली इसी चैनल पर करते हैं, ठीक है? जो हमारा रहता है, और ब्लैक मैजिक जो ये वाला ट्रिक्स है हम लोग, वो हम सुबह करते हैं 6 बजे, जहाँ पर हम लोग ट्रिक्स ही ट्रिक्स पढ़ते हैं इसी चैनल पर, वाईफाई स्टडी पर, ब्लैक मैजिक ट्रिक्स, ठीक? चलो, तो भैया कंट्री, कंट्री के अंदर सुनो, कंट्री आएगी सबसे पहले, पूरा देश, देश के अंदर आते कई सारे राज्य, कई सारे राज्यों के अंदर आते हैं गांव, तो इसका भी तो आंसर यही बनेगा ना। कितने लोगों ने दिया था बताओ, सेकेंड आंसर कितने लोगों का आ रहा है? चलिए ठीक है, आ गया होगा इसका आंसर भी। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ क्या बनेगा इसका आंसर। फास्ट फास्ट करते जाओ, लास्ट तक बहुत कठिन कठिन सवाल भी लगाए हुए हैं, और आज लॉजिकल वाले भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग इसको बोलते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम्स बोलते हैं। चलो क्या बना, बन गया? चलिए देखते हैं। भाई ये लॉजिकल वेन डायग्राम्स की अगर बात करें तो जैसे फैमिली है ना, ठीक है, फैमिली का ही पार्ट है, फैमिली यानी परिवार, परिवार के अंदर तो दोनों आते हैं ना, लेकिन इस वाले चैप्टर में आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना होगा मेल और फीमेल का, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, जैसे हस्बैंड यहाँ पे अलग हो जाएगा, वाइफ यहाँ पे अलग हो जाएगी, तो इसका आंसर डी वाला बनेगा, ठीक है? इसमें डी फॉर डंडन आडन वाला आंसर कर देना, ठीक है? इसमें आंसर डी बन रहा है, ठीक है? हाँ, तो इसका आंसर जो है हमारा वो डी वाला बनेगा, ठीक है? क्योंकि हस्बैंड एक तरफ, वाइफ एक तरफ, दोनों है फैमिली का पार्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर डी वाला बन जाएगा, ठीक है? आई होप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया तो आप लोग इसे थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहो, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहो, है ना? और डेली डेली इसी तरीके से क्लास में जुड़ते रहिए, फिलहाल सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए फटाफट से।